दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज फिर से बारिश हो गई। पता नहीं, जो वेदर फोरकास्ट में होता है ना, वो हमेशा सच होता है। आज बारिश बताई थी तो बारिश हो गई। और आप सोच रहे होंगे मैं भीग के कहाँ आ रही हूँ, तबीयत भी खराब थी, लेकिन मैं आ रही हूँ बैंक से, तो मुझे बैंक का काम था। और आज दिखाती हूँ पहाड़ों का वेदर कितना बदल चुका है और बहुत बारिश हो रही है। और एकदम कहना चाहिए कल धूप थी, लेकिन आज की बारिश बहुत तेज है। और मैं गई थी, पर मैं वापस आ गई। अभी रास्ते पर रुकी हुई हूँ और मैंने रेनकोट पहन रखा है, मास्क मैंने पहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है और ज़रूरी भी है मास्क पहनना। तो दिखाती हूँ आपको पहाड़ वाला वेदर। और दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश है, लेकिन ठंडा उतना नहीं है। पता नहीं क्यों ठंड कम हो रही है आज, शायद कहीं बर्फ़ गिरे या ना गिरे, लेकिन बारिश हो रही है। तो फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बारिश तो मैंने घर पे ही रह के काम वाम कर लिया और अभी भी बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। और मैं अपनी खांसी के लिए आज घरेलू उपाय करूँगी, तो मैंने लगा रखी है हल्दी। तो ऐसा करते हैं, मैं हल्दी लाने जा रही हूँ, तो आपको भी दिखाती हूँ जहाँ मैंने हल्दी लगाई है। और हल्दी ले आते हैं और उसको क्या करूँगी मैं, कच्ची हल्दी है ना, तो उसको पीस के मैं दूध में डालूँगी। तो दूध में डालने के बाद उसको पियेंगे, क्या पता खांसी से तो आराम मिल जाए, क्योंकि कफ सिरप इतना पी लिया लेकिन खांसी में कोई भी फर्क नहीं हो रहा है। तो फिर चलते हैं और देखिए फिर से मौसम कैसा हो गया। मतलब दिन भर बारिश हो रही है, अभी भी पूरा कोहरा कोहरा हो गया। मौसम पूरा बंद हो चुका है, देखिए पूरा कोहरा लगा है हर जगह। तो हम जा रहे हैं हल्दी लाने, तो हल्दी ले आते हैं। और यहाँ पे लगाई है मैंने हल्दी। तो ऐसा करते हैं, एक कोई भी पौधा उखाड़ते हैं तो उससे चल जाएगा काम। तो ये बड़ा पौधा है तो इसी को उखाड़ लेते हैं। टाइट भी हो रहा है, ये बहुत टाइट हो रहा है। ये देखिए, ये छोटी छोटी हल्दी लगी है। तो इससे हम ऐसा करेंगे, इसमें तीन चार जड़ है, तो इसको साफ करके शाम को पीस के इसकी दवा बनाएंगे। तो मैं हल्दी लेके आ गई, तो
एक जड़ निकाली मैंने, उससे इतनी हल्दी निकल गई। तो ये है पहाड़ी कच्ची हल्दी। तो इस ये एंटीबायोटिक होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हल्का उबाल के इस पर नमक भी डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद मुंह पे रख लिया और धीरे धीरे जो इसका मतलब रस होता है ना वो अंदर जाएगा, तो उससे भी खांसी ठीक होती है। और दूसरा क्या है कि इसको पीस के हम सोते वक्त एक गिलास दूध में इसको मिला लेंगे और उसे पीने से भी राहत मिलती है। तो आज मैं ये घरेलू नुस्खे आजमा रही हूँ, क्योंकि कफ सिरप से कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए अभी शाम का टाइम था और मैं हल्दी लेके आ गई हूँ। तो देखते हैं फिर कितना बेनिफिट रहता है इससे। तो इसको ट्राई करेंगे हम आज। तो आज मेरा बाहर कोई भी वीडियो नहीं बना, क्योंकि दिन भर बारिश थी। और उसके बाद मैं शाम को अपने लिए हल्दी लेके आई, खेत में हल्दी हो रखी थी। तो उसको हम क्या करेंगे कि कच्ची हल्दी है और दूध में मिला के इसको पियेंगे। और दूसरा क्या था कि दवा से कोई ऐसा असर हो नहीं रहा था, तो मैंने आज घरेलू नुस्खे ही अपना रखे हैं। तो मैंने बना रखा है गहत की दाल, जो पहाड़ में होती है गहत की दाल, और उसे पथरी में भी देते हैं, और जब खांसी और बुखार होता है तो तब भी उसके रस को देते हैं। तो अक्सर जब बीमार होते तो दाल ही पीते हैं, दाल बनाते हैं। तो मैंने भी आज गहत की दाल बनाई है, तो दिखाती हूँ आपको गहत की दाल, और साथ में मैंने मड़वे की रोटी बनाई है। तो दोनों की तासीर गर्म है, क्या पता उससे ठीक हो जाए। तो दिखाती हूँ आपको मैं गहत और मड़वे की रोटी। और आज मैंने बनाई जिसकी तासीर गर्म होती है, ये है मड़वे की रोटी। तो इस पर मैंने थोड़ा गेहूं और मड़वा मिलाया, तो एकदम मड़वे की रोटी नहीं लग रही है ये, मतलब गेहूं और मड़वा दोनों मिक्स है। तो बोलते हैं कि ये भी गर्म होता है। और इसके साथ आज मैंने घरेलू दवा बनाई है, तो ये है गहत की दाल। तो ये गहत की दाल बनाई है, और इसका इलाज जो होता है ना, अगर जिसको मतलब कि स्टोन वाली प्रॉब्लम होती है पथरी का, तो उसमें भी इसका रस देते हैं। और अगर खांसी बुखार है, तो अब मैं कोई दवा नहीं खा रही हूँ, बस मैं घर पे ही रह के मैंने ये चीज़ बना ली है। तो अब इसको खाएंगे और हल्दी वाला दूध, क्योंकि मैं खेत से हल्दी लेके आई थी, तो हल्दी वाला दूध पियेंगे। तो ये था घरेलू नुस्खा, और आज इसको थोड़ा सा मैं ठीक भी हूँ, और कल भी मैंने हल्दी वाला दूध पिया था, और आज भी मैं हल्दी वाला दूध बनाऊंगी और पीऊंगी, और खाना वाना खा लेते हैं फिर। और करते हैं आज के वीडियो को यहीं पर क्लोज। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब दवा काम नहीं करती है तो हम घरेलू इलाज ही करते हैं, जैसे काढ़ा अदरक का। तो मैंने दाल पे भी अदरक डाल दिया, और मतलब काढ़ा ही बना रही हूँ, तो थोड़ा उससे खांसी कम हो रही है, क्योंकि कफ सिरप तो मैंने इतना पी लिया। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। और वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।